इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। मर्द, मैं बताती हूँ कि मर्द क्या होता है। इधर देखो, देखते रहो। क्या लगता है, वो डील क्रैक हो पाएगी? फॉर श्योर हो जाएगी। चलिए चाय पीते हैं। हाँ भाई, चलो चाय पीते हैं। क्या है सर, मैंने तुमसे चाय मंगवाई थी ना? सर, भाभी जी ने चाय कॉफी देने के लिए मना किया आपको। उन्होंने ताकत का पाउडर भेजा आपके। उनसे कहा है कि जब भी आप चाय कॉफी मांगे, मैं आपको ताकत का पाउडर भूल करके पानी में दे दूं। क्यों मैडम, ताकत का पाउडर क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार। गाइस, ये ऐसे मजाक मीटिंग के बाद। इसे लेके जाओ और मेरी चाय लेके आओ। चलो उठाओ इसे। अरे मुंह क्या देख रहे हो, लेके जाओ। चलता रहता थोड़ा थोड़ा। वरुण आ गया बेटा। जी माँ। माँ, जोर से भूख लगी है, आप खाना लगा दो। मुंह हाथ धोले, पता है तेरी मनपसंद डिश बनाई है, सोया बड़े की सब्जी। अच्छा, सोया बड़ी। माँ आप तो जोर से भूख लग रही है, माँ आप खाना लगाओ, मैं फ्रेश होके आता हूँ। हाँ जल्दी जा। ये ले बेटा, सोया बड़ी की सब्जी। रुकिए माँ। क्या हुआ बेटा? माँ, वरुण ये सोया वड़े की सब्जी नहीं खा सकते। उनके लिए मैंने मिक्स वेजिटेबल बनाया, वो भी बिना तेल मसालों वाला। लेकिन बेटा, सोया वड़े की सब्जी वरुण की फेवरेट डिश है। माँ मैं जानती हूँ, पर आपको पता है डॉक्टर ने क्या कहा है? वरुण का कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है और उसे अभी प्रॉपर डाइट की जरूरत है। लेकिन बेटा, एक बार खा लेगा तो क्या हो जाएगा? वैसे भी सोयाबीन हेल्दी होता है। माँ आप जिद क्यों कर रही हैं? आप वरुण को बीमार करना चाहती हैं? नहीं। तो प्लीज आप मेरी बात मान लीजिए। अच्छा ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। सॉरी वरुण। काजल, क्या है ये सब? तू तमाशा बना रखा है कल ऑफिस में। हाँ। अब यहाँ माँ के सामने तमाशा मैंने बनाया? अरे तमाशा तो तुमने बना दिया है मेरा, जिंदगी बर्बाद कर दी है शादी करके मेरी। काजल देखो, ऐसा नहीं है, समझो। जाओ बता दो अपनी माँ को, दुनिया को बता दो कि तुम नपुंसक हो। नपुंसक कुछ नहीं कर सकते तुम। आराम से बोलो, माँ सुन लेगी। काजल I'm sorry, मैं तुम अपसेट करना नहीं चाहता था। मेरी खुशी का इतना ही ख्याल है तुम्हें तो तुम वो सोया वड़े की सब्जी नहीं खाते। पर नहीं, तुम्हें क्या, तुम्हें तो अपनी चिंता, अपनी फिक्र, अपनी खुशियों का ख्याल है। पर मेरा क्या, मेरी खुशी का क्या, मेरी शारीरिक जरूरत का क्या? काजल I'm really really sorry। देखो मेरा वो मतलब नहीं था, तुम जैसा कहोगी ना मैं वैसा करूंगा। एनर्जी ड्रिंक भी पीऊंगा और तुम जैसा कहोगी वैसा करूंगा। कल सुबह तैयार हो जाना, डॉक्टर के पास जाना है। मिस्टर वरुण, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल पहले से काफी बेटर है, पर रिकवरी में अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। और कितना टाइम डॉक्टर?
ये सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, सारी मेडिसिंस खा रहे हैं, इनफैक्ट एनर्जी ड्रिंक भी पी रहे हैं, पर कब तक? Can understand your concern, काजल जी. हमने इनको बेस्ट मेडिसिंस दी हैं, पर रिकवरी में और कितना टाइम लगेगा ये बता पाना बहुत मुश्किल है. पर डॉक्टर, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? मतलब सुधार तो आएगा ना? ये कुछ दवाएं हैं काजल जी. जी डॉक्टर, मैं आती हूँ. ओके. वरुण, हमें याद आया, एक्चुअली हमें हमारे दोस्तों के साथ शॉपिंग पे जाना था, तो और वैसे भी मास्टर जी के यहाँ आ गई हैं, तो उनको भी आने में लेट हो जाएगा. तुम घर चले जाओ प्लीज. ओके, तुम जाओ. ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो फोन कर देना. बाय बाय. काजल, तुम आ गई? ये सब क्या है वरुण? आई लव यू. आई लव यू माई फुट. काजल, यू नो ना, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं. तुम ऐसे दूर दूर क्यों भाग रही हो मुझसे? वरुण, छोड़ो मुझे. देखो, दिमाग खराब मत करो, जस्ट स्टॉप इट. काजल, मैं तो सिर्फ तुम्हें खुश करने की कोशिश कर रहा था, रोमांटिक करने की कोशिश कर रहा था. अरे खुशी माय फुट, कुछ कर तो सकते नहीं हो तुम, बस आग लगाया छोड़ दिया. तुम्हारे लिए जिम के कपड़े लेके आई हूँ, और जिम में तुम्हारा अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर दिया है, कल सुबह 8 बजे रेडी रहना. और अगर तुम नहीं गए तो फिर मेरे करीब मत आना. ओके ओके, मैं जिम भी जाऊंगा, जो तुम बोलोगे मैं करूंगा. मुझे समझने की कोशिश करो काजल. काजल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ. छोड़ो यार. Come on guys. शाबाश शाबाश, वेरी गुड. हाय, आई एम काजल. हेलो, आई एम अविनाश. ये मेरे हस्बैंड है वरुण, इनके ही बारे में बताया था मैंने आपको फोन. हेलो सर. हाय वरुण. अविनाश. सो हम आपका वेट पहले नाप लेते हैं. ओके, आईएस पे. अरे वरुण सर, आपका वेट ज्यादा नहीं है, तो वेट लॉस करने की जरूरत नहीं है आपको. वी नो दैट, पर क्या है ना कि हम ये चाहते हैं कि वरुण फिट रहे. बिल्कुल आपकी तरह. ओके, मैं भी आपका मेजरमेंट कर देता हूँ. हाँ, ओके. ओके. नॉट बैड. सो आपको कब से जिम ज्वाइन करना है? मैं जिम ज्वाइन करूंगी, पहले आप वरुण को ट्रेनिंग दे दीजिए. ओके. मैं देखना चाहती हूँ कि ट्रेनिंग कैसे होती है, उसके बाद. ओके. Okay.
शाबाश, कम ऑन, होल्ड, कम ऑन, कम ऑन। हाय हाय काजल मैम, आप यहाँ? एक्चुअली मैंने सोचा कि मैं भी जिम ज्वाइन कर ही लूँ। अरे वाह, आइए मैं आपका मेजरमेंट ले लेता हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? सॉरी। अच्छे से करो ना। हमारी संस्कृति में शादी के रिश्ते को सबसे पवित्र बंधन माना जाता है, जिसमें अडल्ट्री यानी अवैध संबंध कानूनी जुर्म है। लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं वो कोई ना कोई बहाना करके अपने आप को सही साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। किसी को पसंद करना गलत नहीं है, लेकिन किसी को धोखा देकर, झूठ बोलकर अपने स्वार्थ और लालच को पूरा करना अपराध है। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। नपुंसकता एक मेडिकल कंडीशन है और इस इलाज में वरुण का साथ देने के बजाय काजल ने अपनी हवस पूरी करने का दूसरा रास्ता ढूंढ लिया था। क्या होगा जब ये सच वरुण के सामने आएगा? क्या वो अपनी परेशानियों का हल ढूंढ पाएगा या डर और शर्मिंदगी में फंस कर रह जाएगा? आइए देखते हैं। कम ऑन पुश, वेरी गुड, यू डू इट, वेरी नाइस, वेल डन। डाउन, पुल, वेरी नाइस। वरुण, या गो फॉर अ स्ट्रेट, सी यू। तुम्हें तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। तुम अकेले में मिलो तो बताता हूँ कितनी फिक्र करता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास फार्म हाउस तो है, चलोगे? ऑफ कोर्स मैम, आपने बुलाया तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। शॉपिंग पे जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हमें आने में लेट हो जाएगा। अच्छा, माँ को इन्फॉर्म किया तुमने? हाँ हाँ, माँ को बता दिया है हमने। ओके ओके, देन हैव फन, बाय बाय। बाय। हेलो वरुण भैया। जी पंकज जी। नमस्ते। नमस्ते, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मेरी बहन की शादी तय हो गई है। अरे वाओ, कांग्रेचुलेशंस। जी थैंक यू भैया। मैं आपके फार्म हाउस के पास से गुजर रहा था, सोचा आपको शादी का कार्ड और मिठाई भी दे दूं। नहीं नहीं वरुण जी, मैं तो अभी ऑफिस में हूँ और जैसे ही फार्म हाउस की तरफ आता हूँ मैं आपसे जरूर मुलाकात करूंगा। क्या आप फार्म हाउस पर नहीं हो? मुझे लगा आप भी यहीं पर होंगे क्योंकि काजल अभी तो यहीं पर है। वरुण भैया, हेलो। हेलो पंकज जी, मैं आपसे बाद में बात कर, थोड़ा सा बिजी हूँ। ओके ओके भैया। ओके ओके। काजल,
क्या है सब? एक पति के होते सो तो ये सब शर्म नहीं? ओह गॉड, पति पति तुम्हारे जैसा होना तो पत्नी को ये करना ही पड़ता है। वरुण, ये तो कुछ करने के लायक ही नहीं है क्योंकि ये नपुंसक है, नामर्द है। Enough, just enough. No more words. हूँ मैं नपुंसक, मगर मैंने ये बात तुमसे कभी छुपाई नहीं काजल। मैंने शादी के पहले भी तुमसे ये बताया था कि मुझे इम्पोर्टेंसी की प्रॉब्लम है। तो और इसका सक्सेसफुल इलाज है नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो क्यों की मुझसे शादी? वरुण, उस टाइम मुझे अकल नहीं थी, मुझे क्या पता था कि इसकी बीमारी इतनी बड़ी है कि कभी खत्म ही नहीं होगी। अब तो पता चल गया था ना, ले लेती डिवोर्स, मगर मुझे इस तरह बेइज्जत करने की जरूरत क्या थी? तुम देखना, पूरी दुनिया को तुम्हारी सच्चाई बताकर तुमसे डिवोर्स लूंगा। ओके वरुण, ओके डन, ठीक है ले लो डिवोर्स। जब तुम्हारी माँ को पता चलेगा कि उसका एक लौता बेटा नामर्द है, वो उसका डिवोर्स हो रहा है क्योंकि ये उनके वंश को आगे नहीं बढ़ा सकता क्योंकि वो नामर्द है तो क्या बीतेगी उस माँ पे तुम्हें याद है वरुण, जब पापा का एक्सीडेंट हुआ था, जब पापा नहीं रहे थे, माँ को हार्ट अटैक आया था, और ये डॉक्टर ने क्या कहा था वरुण, एक बार और उनको हार्ट अटैक आया तो वो सीधा जाओ वरुण जाओ, तुम जाओ और उनको बताओ। नहीं, जाओ ना। नहीं काजल, किसी कुछ नहीं बताऊंगा, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूंगा, प्लीज माँ को मत बता, प्लीज। वेरी गुड, तो एक काम करते हैं, मुझे भी वैसे ये डिवोर्स कर झंझट नहीं चाहिए, तो तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगे और मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगी, ओके? समझ गए? गुड बॉय। जाओ वरुण। आ गए तुम लोग, क्या हुआ बेटा? नहीं माँ, कुछ नहीं, सब ठीक है। माँ हूँ मैं तुम्हारी, चेहरा देख के बता सकती हूँ कि तुम दोनों के बीच में कोई अनबन हुई, लेकिन अगर तुम दोनों नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं, हम भी समझ सकते हैं कि पति पत्नी के बीच में कुछ बातें पर्सनल रहनी चाहिए, लेकिन एक सलाह दूं बेटा, पति पत्नी के बीच में चाहे जो भी प्रॉब्लम हो उसका एक ही इलाज है और वो है बच्चा। जब बच्चे होते हैं ना तो पति पत्नी के बीच की सारी दूरियां मिट जाती हैं और उनके आपस का प्रेम बढ़ जाता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ, हम वरुण को यही समझाते हैं, पर वरुण वरुण बच्चा ही नहीं चाहते, मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली आगे बढ़े। वरुण ये क्या कह रही है, तुझे बच्चा नहीं चाहिए? हाँ? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, वो क्या है ना कि आजकल ऑफिस में काम बहुत ज्यादा है तो माँ बच्चे का टाइम नहीं है। क्या कह रहे हो वरुण, ऑफिस का काम तो जिंदगी भर चलता रहेगा। मैं भी यही कह रही हूँ माँ, पर ये इन्होंने मुझे डांट दिया। वरुण, तुमने बहू को डांटा, बहुत गलत बात है। अच्छा तुम एक काम करो, तुम्हें ना हमारे वो फार्म हाउस है ना, वहां बहू को लेकर जाओ कुछ दिनों के लिए। माँ, फार्म हाउस पे जाने की क्या जरूरत है? जरूरत है बेटा, वो तुम्हारे फतेहपुर वाले मामा मामी है ना, वो कुछ दिनों के लिए यहाँ आ रहे हैं, उनकी बेटी राधिका, उसकी शादी यहाँ कानपुर में तय हुई है और वो उसके बंदोबस्त के लिए कुछ दिन यहीं रहेंगे, तुम दोनों को कहाँ प्राइवेसी मिलेगी? इसलिए कह रही हूँ बहू को लेकर कुछ दिनों के लिए फार्म हाउस चले जाओ। माँ, बट मेरा ऑफिस। पर वरुण, ऑफिस तो सिर्फ 30 मिनट की दूरी पे है ना, ले चलो ना, हम मैनेज कर लेंगे। तुम दोनों फार्म हाउस जाओगे, ये मेरा ऑर्डर है। आप बहुत अच्छे हो माँ।
बेबी। वरुण मेरे लिए तुम पैक बनाओगे। काजल मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई नौकर नहीं। Really? ओह मेरे पति को चिंता हो रही है। एक बात तो है, तुम्हारे पति में मर्दानगी हो ना हो, पर अकड़ बहुत है। खबरदार बनो, अगर तुमने मेरे बॉयफ्रेंड की तरफ आंख भी उठाई तो मैं तुम्हारी मर्दानगी की रिपोर्ट तुम्हारी माँ को भिजवा दूंगी। और तुम मुझे जल रहे, इसको जलने दो, डिस्टर्ब कर रहा। कोई दिक्कत तो नहीं हुई सफर में? नहीं दी, बिल्कुल आराम से आ गए। अच्छा है, वैसे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि राधिका की शादी कानपुर में होने जा रही है, अब तो मिलना जुलना होता रहेगा। हाँ वो तो है ही ठीक भाभी जी, लेकिन हम सोच रहे थे कि क्यों ना अपनी राधिका बिटिया की शादी किसी पार्टी प्लॉट में करने के बजाय अगर अपने फॉर्म हाउस से रखें तो। ये तो बहुत ही बढ़िया है, वैसे आप लोगों का ही फार्म हाउस है, नेकी और पूछ पूछ। तो फिर दीदी चलते हैं ना फार्म हाउस देखने? बिल्कुल अभी चलते हैं। काजल दरवाजा खोलो प्लीज। काजल बाहर मामा मामी के साथ माँ आई है। मामा मामी जी, माँ प्रणाम। प्रणाम। आप यहाँ? वो हमने सोचा क्यों ना राधिका की शादी यहाँ फार्म हाउस पर कर लें, इसलिए इन्हें फार्म हाउस दिखाने ले आई। हाँ ये तो अच्छी बात है। मामी राधिका नहीं आई? वो राधिका ना बेटा किसी काम में व्यस्त हो गई थी इसलिए नहीं आ पाई। अच्छा अच्छा। काजल बेटे जी, ये कौन है? ये वरुण के जिम ट्रेनर है अविनाश। ओ हाँ, जिम ट्रेनर यहाँ? माँ एक्चुअली क्या है ना कि
वरुण का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया था तो हाँ माँ वो थोड़ा और वो जिम जा भी नहीं पा रहे थे तो हमने उनको यहाँ बुला लिया। ठीक है माँ आप मामा मामी को फार्म हाउस दिखा लाइए तब तक हम इनका एक्सरसाइज कंप्लीट करवा लेते। हाँ वो थोड़ा सा लेकिन तुम्हें जाने की क्या जरूरत है बहू ये दोनों चले जाएंगे तुम हमारे साथ रहो ना। अरे माँ एक्चुअली बात यह है ना कि आपके बेटे आजकल बहुत आलसी हो गए हैं। हाँ, हाँ, तो ये अविनाश इनको 10 पुशअप्स करने बोलते हैं तो ये सिर्फ 5 ही में करके थक के बैठ जाते हैं तो हम उनके पास बैठे रहते हैं ताकि ये अपना कर सके क्यों वरुण। हाँ, थोड़ा सा वो ठीक है कोई बात नहीं तुम जाओ इनके साथ मैं तब तक इन्हें बाकी का फार्म हाउस दिखा लाती हूँ। जी तुम्हारी माँ और पूरे खानदान को अभी यहाँ आके मरना था। अरे तुम में कोई शर्म नहीं है तो मुझ में तो है जाओ अब कहीं अलमारी या कहीं बाथरूम में जाके छुप जाओ क्योंकि मुझे अपना बाकी का काम पूरा करना है। हमारे समाज में इम्पोर्टेंसी यानी नपुंसकता एक नाजुक सब्जेक्ट है। मामूली सर्दी होने पर हम दवाई लेने डॉक्टर के पास जाते हैं लेकिन लोग आज भी सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाने से कतराते हैं। इस विषय पर अपने परिवार वालों के साथ चर्चा करने में झिझकते हैं और इसका पूरा फायदा उठाया काजल ने। जरा सोचिए वास्तविकता में शर्मिंदगी किसे महसूस होनी चाहिए उस पति को जो इस मेडिकल कंडीशन से गुजर रहा था या उस पत्नी को जिसने अपने पति की इस बीमारी के और इस मजबूरी का पूरा फायदा उठाकर अपने पति के सामने दूसरे मर्दों के साथ अपनी हवस पूरी कर रही थी। वरुण इतनी बड़ी बात लोगों के साथ इसलिए नहीं बांट पा रहा था क्योंकि हमारा समाज इम्पोर्टेंसी की समस्या का या तो मजाक बना देते हैं या फिर उसे नजरें चुराते हैं। तो क्या वरुण ये सब कुछ चुपचाप सहता रहेगा या फिर उसके खिलाफ आवाज उठाएगा या फिर वो टूट जाएगा आइए देखते हैं। वरुण सर बॉस ने आपको बुलाया है। हाँ तुम रुको जरा मैं थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ आता हूँ। प्लीज बंद करो ये सब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। यार वरुण प्लीज डिस्टर्ब मत करो मुझे। काजल हम सब करेंगे जिम योगा हजार डॉक्टर को दिखाएंगे। तुम 2 महीने बर्दाश्त नहीं कर पाए वरुण और जो मैं 2 साल से बर्दाश्त कर रही हूँ उसका क्या। काजल हम मत बन के दिखाएंगे। मर्द तुमको पता भी है कि मर्द क्या होता है। मर्द मैं बताती हूँ कि मर्द क्या होता है। इधर देखो देखते रहो चलो शुरू करते हैं इसे मर्दानगी भी तो दिखानी है। अरे वरुण आ गया बेटा
वरुण क्या बात है बेटा? कुछ नहीं मां, सब ठीक है। वरुण मेरी तरफ देख, क्या बात है? हाँ, ऑफिस में कोई टेंशन है या मुझे बता, बहू के साथ किसी बात पर झगड़ा हुआ है क्या? बता ना। नहीं मां, कुछ नहीं, वो क्या है ना कि आज ऑफिस में ज्यादा काम था तो हम थक गए, अब सोने जा रहे। वरुण मुझे माफ कर देना मां, लेकिन मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इस दुनिया से जा रहा हूं। और दुकान जा रहे हैं सामान लाने, आपको कुछ चाहिए? क्या हुआ माँ, वरुण की याद आ रही है? हाँ, पर हम देख रहे हैं हमारी बहू कितनी हिम्मत वाली। वरुण के गुजर जाने का सबसे ज्यादा गम तुम्हें होगा, हमें तुम्हें संभालना चाहिए, पर देखो ना तुम हमें संभाल रही हो, इस घर का कितना ध्यान रख रहे, और हम नहीं। माँ आप प्लीज ऐसे मत कहिए, हमारा फर्ज है आपका ध्यान रखना, और वरुण के गुजर जाने के बाद वो तो आपको छोड़ के चला ही गया है, पर हम कभी नहीं जाएंगे, बेटा और बहू दोनों का फर्ज निभाएंगे हम। अच्छा माँ, अब आप रोना बंद कीजिए और बताइए आपको कुछ चाहिए? नहीं बेटा, बस तुम जल्दी जाके वापस आओ। ठीक है, आप ख्याल रखिए। कहाँ गई थी? हमने आपको बताया था ना कि हम दुकान जा रहे हैं, तो झूठ बोल रही हो। राधिका ने तुम्हें देखा, तुम कैफे में बैठी थी और तुम्हारे साथ एक आदमी था। माँ वो हमें तो लगा था कि हमारी तरह तुम भी अपनी सारी जिंदगी अकेली रह जाओगी। पता है हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी,
इतनी कम उम्र में तुम विधवा हो गई। हमने सोचा कि तुम अपनी सारी जिंदगी कैसे बिताओगी अकेली, लेकिन हमारी ये एक चिंता ना तुमने दूर कर दी बेटा। सच मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल नहीं, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। अब ये बताओ कौन है वो लड़का? वो अविनाश, माँ आप जानती हैं उसे। वो जिम ट्रेनर? अरे वाह बढ़िया है, एक काम करो उसे जल्दी घर बुलाओ, हम बड़े धूमधाम से हमारी बेटी की शादी करेंगे। ठीक है माँ। अब जाओ। ठीक। अरे चाची चेंज कर लिया आपने? चलो अच्छा हुआ, फाइनली शादी बहुत अच्छे से हो गई। तो है। अच्छा एक बात बोलूं चाची, मुझे गर्व है आप पर। क्यों क्या हुआ? मतलब इतनी मॉडर्न एंड प्रोग्रेसिव सास मैंने नहीं देखी। वो इसलिए क्योंकि काजल मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। और एक माँ होने के नाते इतना करना तो हमारा फर्ज बनता है। जी चाची। अच्छा चाची ये कार्ड्स का क्या करना है, शादी के लिफाफों का? तो शगुन के लिफाफे हैं। एक काम करना, एक नोटबुक लेकर आओ। अच्छा। हम बैठ कर ना इसका हिसाब लिखते हैं। जी ये लीजिए, मैं लेके आती हूँ नोटबुक। ओहो ये तो लिफाफों में नहीं था, नीचे पड़ा हुआ। ये तो वरुण की लिखावट है। क्या लिखा है इसमें? तुम्हें पता है आज तक मैं सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के साथ सुहागरात मनाती रही, पर आज मैं और तुम। रुको मैं देखती हूँ। हमने तुझे हमेशा एक बेटी का प्यार दिया, सब कुछ किया तुम्हारे लिए, और तुमने तुमने हमारी बेटी को मार दिया। क्यों किया तुमने ऐसे? क्यों क्यों क्यों? माँ जी इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कर लीजिए इसे, इसने हमारे बेटे के साथ जो भी जुल्म किया है उसने अपने सुसाइड नोट में ये लिख कर गया है, देखिए। और ये भी इसके साथ इसमें सर शामिल था। गिरफ्तार कर लो इन्हें। जी सर। चलिए चलिए। सर सर हमें छोड़ दीजिए सर। छोड़ दो मुझे। सर मैंने कुछ नहीं किया। वरुण वरुण पति पत्नी के रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए बहुत जरूरी है प्रेम और इज्जत, लेकिन काजल ने वरुण को पति तो क्या
एक इंसान तक का दर्जा नहीं दिया। हर शादी में परेशानियां हो सकती है, लेकिन इसका हल भी तो ढूंढा जा सकता है, और अगर हल ना ढूंढ सके तो अलग यानी कि डाइवोर्स भी तो ले सकते हैं। और वरुण दोनों रास्ते अपनाने के लिए तैयार था, लेकिन काजल हैवानियत की सारी हदें पार करके अपनी शारीरिक इच्छाएं और ख्वाहिशों को पूरी करना चाहती थी। और ऐसी लालच का अंजाम क्या होता है आपके सामने है। हमारे समाज में आज भी इंपोर्टेंसी की समस्या पर खुलकर चर्चा नहीं होती। जो इंसान इस समस्या से गुजर रहा है उसे शर्मिंदा किया जाता है, लेकिन यह गलत है। याद रखिए, अगर आपके अंदर ऐसी कोई भी कमी हो तो आपको शर्मिंदगी महसूस करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और ना ही इससे किसी की मर्दांगी पर सवाल उठता है। औरत के साथ शारीरिक संबंध बनाना ही मर्दांगी नहीं होता। अगर आपके अंदर ऐसी कोई भी कमी है तो उसके साथ जीना सीखिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये आप पर इस कदर हावी हो जाएगा कि आपके करीबी भी इसका फायदा उठाएंगे। इसी के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। अगली कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक आप देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।